आज मैं बनाने जा रही हूँ मिर्ची का अचार। इसके लिए मैं 250 ग्राम हरी मिर्च चाहिए। इसको काट रखी हूँ और हमें 2 चम्मच सरसों के दाने चाहिए, धनिया, काली मिर्च, हल्दी, 8 से 10 कली लहसुन का और थोड़ा सा जीरा और नींबू का रस चाहिए। और जो ये मसाले हैं इनको सारा हमें बारीक पेस्ट बनाना है और नमक भी हमें चाहिए और सरसों का तेल चाहिए। अब ये जो मिर्ची है हम इसको एक बाउल में डाल लेंगे, ये सारे मिर्ची को। इसमें नींबू भी डाल लेंगे, नींबू का ये जो रस है इसको डाल लेंगे और ये जो मसाला पीस रखी थी इसको भी हम इसके अंदर मिला लेंगे। अब इसमें नमक डालेंगे। अब हम इसके अंदर नमक डालेंगे। और इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको खूब अच्छे से मिक्स करेंगे कि सारा नमक हमारा मिक्स हो जाए। उसके बाद इसको हम धूप में सूखने के लिए रखेंगे 2 से 3 दिन के लिए हम इसको सुखाएंगे। उसके बाद एक जार लेंगे।